जगन्नाथपुरी जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। समुद्र के किनारे बना यह मंदिर अपने अंदर कई दैविक चमत्कारों को समेटे हुए है। यहाँ विज्ञान के कई नियम भी काम नहीं करते हैं। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर पर जाकर कोई भी इस आश्चर्यजनक चीज को देख सकता है, लेकिन अनेक प्रयासों के बावजूद अब तक इस रहस्यों से पर्दा नहीं उठा सका है। यहाँ के प्रमुख रहस्यों में कुछ इस प्रकार हैं। मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है, यह एक रहस्य बना हुआ है। एक और अद्भुत बात इस ध्वजा से जुड़ी हुई है, वह यह कि इसे हर रोज बदला जाता है और बदलने वाला भी उल्टा चढ़कर ध्वजा तक पहुंचता है। अक्सर समुद्री इलाकों में हवा का रुख दिन के समय समुद्र से धरती की तरफ होता है, और जबकि शाम को उसका रुख बदल जाता है और वह धरती से समुद्र की ओर बहने लगती है। लेकिन यहाँ भगवान जगन्नाथ की माया इसे उल्टा कर देती है और दिन में धरती से समुद्र की ओर और शाम को हवा समुद्र की मंदिर की ओर बहती है, यानी धरती की ओर हवा का बहाव होता है। मंदिर के शिखर पर अष्ट धातु निर्मित सुदर्शन चक्र है। इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और मान्यता के अनुसार इसके दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यदि आप किसी भी कोने से खड़े होकर किसी भी दिशा से इस चक्र को देखोगे तो वह हमेशा आपके सामने बिल्कुल सीधा ही नजर आएगा। जगन्नाथ मंदिर की यह बात आपको आश्चर्य में डाल देगी कि मंदिर के शिखर के ऊपर ना तो कभी कोई विमान गुजरता है और ना ही इसके ऊपर कभी पक्षी बैठता या उड़ता हुआ नजर नहीं आता है। श्री जगन्नाथ के मंदिर में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इसमें एक साथ 500 के करीब रसोई और 300 के आसपास सहयोगी भगवान के प्रसाद को तैयार करते हैं। मंदिर में प्रवेश से पहले दाई तरफ आनंद बाजार और बाई तरफ महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर की पवित्र और विशाल रसोई है। इस रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे से ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी पर ही पकाया जाता है, पर आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान सबसे पहले पकता है, फिर नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर के इस प्रसाद को रोजाना करीब 25,000 से भी ज़्यादा भक्त ग्रहण करते हैं। विशेष बात तो यह है कि यहाँ तो ना प्रसाद बचता है और ना ही कभी कम पड़ता है। विज्ञान के इस नियम को तो आप जरूर जानते ही होंगे कि जिस वस्तु पर रोशनी पड़ेगी उसकी छाया भले ही आकार में छोटी या बड़ी बने लेकिन बनेगी जरूर। लेकिन सृष्टि के पालनहार भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर उसका हिस्सा विज्ञान के इस नियम को भी चुनौती देता है, क्योंकि दिन के किसी भी समय इसकी परछाई नजर नहीं आती है। यह भी किसी रहस्य से कम आपको नहीं लगेगा कि मंदिर के सिंह द्वार से एक कदम आप अंदर रखे तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। विशेषकर शाम के समय आप इस अद्भुत अनुभव को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर कदम निकला तो आपको स्पष्ट रूप से लहरों की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये था दोस्तों भगवान जगन्नाथ मंदिर का कुछ अद्भुत रहस्य। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।